आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ गाइस, वीडियो का जो राइटर है वो है इंडियन डॉक्टर मेड स्पीचलेस टू अनिरुद्ध आचार्य बाय टन्स ऑफ क्वेश्चंस एंड डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाइज। सो इंडियन जो डॉक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने ऐसे सवाल किए अनुराग आचार्य सर जी से जो वो स्पीचलेस हो गए। तो देखते हैं आगे वीडियो में, फिर उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नायक के भी रिप्लाई सुनेंगे कि उन्होंने इस पूरे टॉपिक पे क्या उन्होंने जवाब दिए। तो जुड़े रहिएगा गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस ओरिजिनल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे अभी हमने कथा सुनी आपकी, जो अभी आगे कथा हुई, तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि ये जो शरीर है, ठीक है, वो भी भगवान का है। तो ऐसे समझें कि ये किराए का मकान है, हमें छोड़ देना है। तो जब किराए के मकान में कुछ तब्दीली हम नहीं कर सकते हैं जब किराए पे रहते हैं, तो ये शरीर भी अगर ऐसा है तो आजकल जो चलान है कि भाई रक्तदान करें, आप अंगदान करें, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा शरीर हमारा है ही नहीं, तो हमारा कोई हक कैसे बनता है कि हम इसमें से कोई अंग किसी को दे सकते हैं या तो देना चाहते हैं? हमारा तो वो है नहीं, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ब्लड दान इसलिए करना चाहिए, रक्तदान, क्योंकि सामने वाले को यदि जरूरत है, माना कि अपना नहीं है, बॉडी अपनी नहीं है, पर फिर भी किसी का बच रहा है जीवन, इस दान से तो दे देना चाहिए। जो लोग पूरी बॉडी दान कर देते हैं उनका मैं निवेदन करूंगा कि आप खून दान कीजिए, किडनियां दान कीजिए, नेत्र दान कीजिए, पर अपने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बॉडी के कुछ हिस्से बचा के रखिए। कम से कम आप भले आपकी बॉडी का आधा किलो मांस का आपका अंतिम संस्कार हो, क्योंकि बिना अंतिम संस्कार हुए आपकी फिर तेरही कैसे होगी, किस आधार पर होगी? क्योंकि जिस दिन अग्नि संस्कार होता है उस दिन से ही 13 दिन गिने जाते हैं। फिर वो बॉडी का जो राख है उसे गंगा जी फेंकने का, गंगा जी में डालने का विधान होता है, तो वो कुछ अवशेष रहे, और अग्नि के बाद ही पूर्ण मृत्यु मानी जाती है। यदि कोई कहीं चला गया घर छोड़ के और मृत्यु हो गई, आपको जानकारी नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं है कि कब मरा, कब क्या है, कैसे क्या है, तो पूरी बॉडी दान देना जो लोग देते हैं, चलो मेडिकल साइंस के लिए जरूरी भी होता है, पर बॉडी का कुछ हिस्सा जो अनुपयोगी है मेडिकल साइंस के लिए, वह आप अपनी अंतिम संस्कार की जो पद्धति हमारी भारतीय रही है वो ना छू। व्हाट इज द इस्लाम सेज अबाउट द ऑर्गन डोनेशन? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं? ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस में जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर जो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूँगा तो मर जाऊँगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो 1 किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो 1 किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं 1 किडनी मेरी वालदा को देता हूँ तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये 3 शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गेन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए, अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गेन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गेन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गेन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 शराइत उतरते हैं तो ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गेन डोनेशन जायज़ है। छोटे साथ साथ में एक दूसरा छोटा प्रश्न ये भी है कि जैसे हम देखते हैं काफी अस्पतालों में जन्म से बच्चे कुछ न कुछ तकलीफों के साथ जन्म लेते हैं, तो जैसे लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो क्या इसको भी हम कर्म के विधान से ही देख सकते हैं क्या? तो कर्मों का जो बंधन है, जैसे मैं कर्म पे आ जाऊंगा, हाँ, जैसे छोटे बच्चे कुछ
जिसको बोलते हैं ना कुछ रोग के साथ में ही जन्म लेते हैं, जैसे मैंने बताया मैंने खुद देखे हैं हार्ट हॉस्पिटल में बहुत छोटे बच्चे इन्फेंट कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये समझ नहीं आता कि इतने बच्चे को कैसे ऐसा चीज हो गया, तो इसमें कर्म का बंधन क्या है? देखिए कारण तो देखो कर्म का ही है। अच्छा, क्योंकि कर्म के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नहीं भावी पद्यते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो शास्त्रों की अन्य सूक्तियों के द्वारा ये सारांश निकलता है, अर्थ निकलता है कि कर्म का ही लेना देना है। अब जैसे पहले के जमाने में पोलियो ज्यादा था, पर हमारे यहाँ टीका बन गए, पोलियो का टीका लगने से पोलियो कम हो गया। दिल का छेद, इसलिए कई बार माता का खाना पीना ठीक नहीं, पोषण मिल पाता, तो बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए खान पान अच्छा रखना चाहिए। तीसरा, देखिए यदि कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, तो समझ लेना चाहिए कि यह इसके इस जन्म का कोई नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई पाप है जो इसके साथ साथ चल रहा है। तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते है, किसकी टांग में, किसके हाथ में, ऐसा क्यों कोई लाचार पैदा होते? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे आमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का, देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज, या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं, और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते MBBS पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है, मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है, किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए, ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे आपने कपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाहिज पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि फिर भी अपने रब
उसकी इबादत करता है कहने, जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला नौज़बिल्ला मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है, आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कम से कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, इसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं, तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया, जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप द आंसर टू क्वेश्चन। जी तो नाज़रीन, जी अनुराग आचार्य सर जी की बात पे जो मतलब डोनेट ऑर्गन डोनेट वाली चीज बता रहे थे कि हाँ कुछ हिस्सा वो बचाओ के वो अंतिम संस्कार हो, जो करते हैं जो अंतिम संस्कार हो जो बच जाता है बंदा, तो यार ऑर्गन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये तो मतलब आम सी बात है। हमारे पाकिस्तान में हम मुसलमान मतलब हम तो शराइ मतलब हक भी है देने का भाई, ब्लड किसी को अगर किसी की जान बचानी है उसको ब्लड की जरूरत है, तो हमारा ब्लड अगर मैच होता है तो जाहिर सी बात है ब्लड उसको ट्रांसफर करेंगे, हम अपना ब्लड देंगे, हम देते हैं उसको। इवन कि हम अपना ऑर्गन मतलब लंग्स वगैरह अक्सर मतलब यही होता है, लंग्स का ही होता है, गुर्दों का ही होता है कि मतलब वो एक ही कोई कोई मतलब कोई एक ही गुर्दे पे पैदा होता है तो वो भी चलते हैं भाई, कोई इशू नहीं होता, वो भी अल्लाह के हुक्म से मतलब ठीक ठाक खाते पीते वो भी घूमते फिरते हर चीज मतलब आम नॉर्मल लाइफ जो एक आम इंसान की होती है। तो मुझे तो सबसे ज्यादा डॉक्टर नाहिद की जो वो बात जो थी वो बड़ी पसंद आई कि आप अपने ऊपर वालों को मत देखिए, अपने नीचे वालों को देखें, हाँ। कि देखें उनके पास क्या है, आपके पास क्या है। जी जी हाँ। उसके पास तो वो पेन पाँव ही नहीं थी, रो रहा था कि मेरे पास चप्पल नहीं है। फिर जब एक किसी इंसान को देखा कि उसके पैर ही नहीं है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि भाई शुक्र है मेरे पांव तो है, पांव तो है। मैं चल तो और बाकी ये हकीकत बात है कि हम खुद ऐसे करते हैं यार, उस बंदे के पास ये चीज है हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है। और जब हम नीचे वालों को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार तेरा शुक्र है तो यार हमारे पास हर चीज। इस बात से हमें यही सबक मिला कि हर आप लिहाज से अल्लाह का शुक्र अदा लाजमी करें, अपने अल्लाह का, अपने भगवान का मतलब अपने ईश्वर का मतलब हर शुक्र अदा लाजमी करें। तो रही बात कि ये दूसरे जन्म वाली बात, दूसरे जन्म के आप वो जैसे अनुराग आचार्य सर जी बोल रहे थे कि दूसरे जन्म में वो आपको मतलब आपके कर्म ऐसे होंगे कि आपने पाप किए होंगे कि फिर आप उसका सिला आपके बच्चे पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा यही दुनिया है, यही मतलब यही जन्म है हमारा। तो भाई जैसे कि डॉक्टर साकिर सर जी ने बताया, सूरह मुल्क का बताया कि इंसानों को पैदा किया गया है सिर्फ मदद के लिए, उसका हिसाब किताब जी जी हमारे अच्छे अमाल हमारे बुरे अमाल इसी जिंदगी में ही होगा। जी हाँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी बात कही है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, बहुत ही प्यारा समझाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत ही मीनिंगफुल मतलब हर बात का उनके पास मीनिंगफुल जवाब होते ही होते हैं। सो गाइस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, बहुत से नॉलेज भी हमें मिली इस वीडियो से। सो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।